इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर में होम थिएटर कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद उसमें प्ले पे कर सकते हो। तो गाइस, आप भी यूज करते हो कंप्यूटर लेकिन उसमें जो स्पीकर नहीं होता है, तो आपके पास गाइस होम थिएटर है, तो इस होम थिएटर आपको कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद उसमें आप भी प्ले पे कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में आपको सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में, गाइस आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस हमारा पीसी है और पीसी में हमें जो गाइस होम थिएटर को कनेक्ट करना है, तो चलिए मैं कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमारा दो स्पीकर है, तो आप देख लीजिए, और हमारा दो स्पीकर के दो पिन है, तो इस पिन को सबसे पहले हमें होम थिएटर से कनेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए कि हमारा होम थिएटर है और गाइस हमारे पास एक दूसरा पिन है, तो इस पिन को सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिन से हमें होम थिएटर से पीसी कनेक्ट करना है। तो चले मैं इस पिन बता देता हूँ, तो आप देख लीजिए कि इस पिन हमारा पीसी से होम थिएटर से कनेक्ट करना है। तो चले मैं आपको सभी प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो गाइस हमारा जो दो स्पीकर है, तो स्पीकर के हमारा दो पिन है, तो इन दो पिन को सबसे पहले गाइस हमें होम थिएटर में लगा देना है। तो चलिए मैं होम थिएटर में कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो गाइस आप देख लीजिए कि इस वाइट पिन है वही आपको होम थिएटर से, और रेड पिन को दोनों आप पिन होम थिएटर में लगा देना है। और लगाने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा स्पीकर है, तो इस दोनों स्पीकर की पिन मैंने होम थिएटर से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद गाइस हमारा एक दूसरा पिन है ऑडियो का, तो इस ऑडियो का जो हमारा पिन है वही मेरे हमारा पीसी में लगाना है। और तो चलिए मैं स्पीकर पीसी में लगा के आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा दूसरा पिन है, तो वही हमें होम थिएटर में लगा देना है। चलिए मैं वाइट में और रेड में दोनों में मैंने पिन लगा दिया है, और लगाने के बाद गाइस हमारा जो ऑडियो का पिन है वही पिन हमें सीपीयू में लगा देना है। तो चलिए मैं सीपीयू में लगा के आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि इस हमारा पिन है, तो इस पिन गाइस सबसे पहले आपको सीपीयू में सेंटर में लगा देना है। जो तीन प्लग ऑडियो का आता है वही आपको सीपीयू में सेंटर में लगा देना है। तो चलिए मैं सेंटर में लगा देता हूँ। तो इस तरह आपको इस पिन को सीपीयू में लगा देना है। तो आप देख लीजिए कि गाइस मैंने जो सीपीयू वाला पिन है वही मैंने होम थिएटर में कनेक्ट कर दिया है, और हमारा जो स्पीकर का पिन है वही मैंने होम थिएटर से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह आपको दोनों पिन होम थिएटर से कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद जो होम थिएटर है वही आपको ऑन कर देना है। तो चलिए मैं स्विच में लगा के स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो इस तरह आपको प्लग में लगा के स्विच ऑन कर देना है। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो होम थिएटर है वही हमारा ऑन हो गया है। तो इस तरह आपको ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद चलिए मैं म्यूजिक प्ले करके आपको बता देता हूँ कि हमारा सही से प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले मैं हमारा एक नो कॉपीराइट का म्यूजिक है, तो चलिए मैं इस म्यूजिक को प्ले करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले गाइस आपको जो ऑडियो आता है वही आपको जो साउंड का ऑप्शन है वही आपको वॉल्यूम ऑन कर देना है। तो चलिए मैं वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि हमारा सॉन्ग है वही हमारा प्ले हो गया है। तो इस तरह आपको पीसी से होम थिएटर कनेक्ट करके आप ये सॉन्ग प्ले कर सकते हो। चलिए मैं होम थिएटर को ऑफ कर देता हूँ, और ऑफ करने के बाद मैं बता देता हूँ कि हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा जो होम थिएटर है तो उसका जो स्विच है वही मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, और ऑफ करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो म्यूजिक प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमारा स्विच है, तो चलिए मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, और आप देख लीजिए कि हमारा कोई म्यूजिक उसमें प्ले नहीं होगा। तो चलिए मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस हमारा जो होम थिएटर का स्विच है वही मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैंने ऑफ और ऑन कर दिया, तो हमारा कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह आपको जो होम थिएटर है वही आपको पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि गाइस हमने जो पीसी से पिन लगाया है ऑडियो का, तो चलिए मैं हटा देता हूँ। तो गाइस आप,
तो आप देख लीजिए कि हमारा म्यूजिक ऑफ हो गया और फिर से मैं कनेक्ट किया, वही हमारा ऑन हो गया है। तो आप देख लीजिए कि हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो इस तरह आपको होम थिएटर है, वाई होम थिएटर आपको पीसी से इस तरह आप ये कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं दूसरा सॉन्ग प्ले करके आपको बता देता हूँ। इस तरह आपको होम थिएटर कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि मैंने सही से आपको बता दिया है। तो इस तरह आपको स्पीकर को होम थिएटर में कनेक्ट करना है, और होम थिएटर में कनेक्ट करने के बाद जो दूसरा पिन मैंने आपको बताया था वही आपको पीसी से कनेक्ट करना है। तो इस तरह आपको कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर में आपको आसान तरीके इस तरह होम थिएटर आपको कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद उसमें आप ये प्ले आसान तरीके उसमें कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको जो पीसी है तो इस पीसी में आपको साउंड ड्राइव होना चाहिए और इंस्टॉल होना चाहिए तो भी आप म्यूजिक उसमें प्ले कर सकते हो। तो गाइस मैंने ऑलरेडी हमारा जो साउंड ड्राइव उसमें इंस्टॉल है तो इस तरह आपको प्ले कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक